सेम। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मलाई बोटी शवारमा, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर जो है वो मौजूद है। अगर आप लोग को चाहिए हुई तो आप लोग उसे देख सकते हैं और मैं साथ में लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। और साथ यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है और बस ये अब थोड़ी देर में और चिकन के गलने तक इसको, अभी थोड़ी सी कसर है चिकन में, थोड़ी सी नहीं वावा ही कसर रहती है हले। अच्छा जी, तो अब हम की आँच पे करके ना हम ज़रा थोड़ा सा दूसरा काम देखाते हैं। आई बा गर्म। अच्छा जी, तो हल्की सी आँच करके मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया है और अभी थोड़ी देर में हम इसको स्टीम भी देंगे। अच्छा जी, मैं आपको घर की हालत दिखाने लगी हूँ, ज़रा सी देखिए आप। बहुत पहले व्लॉग में आपको पता होगा, दिखाया होगा मैंने कि ये जो हमारी वॉल थी ना, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। तो अब हम इस पर वॉलपेपर लगवाने लगे हैं। तो फ़िलहाल ये इसकी जो वॉल पट्टी और ये सारा कुछ होता है, तो ये जो कमरे का जी हाल देख सकते हैं आप। ओह, अब इसको समेटना एक काम है, यहाँ से लेके वहाँ तक उस कमरे तक जो है यही कुछ चल रहा है। तो वो देखें, अंदर भी बच्चे खेल रहे हैं, अंदर भी रूम में यही कुछ जो है वो हमने करवाया है। वो देखें, अब क्लियर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो सॉस है वो भी रेडी कर चुकी हूँ। अच्छा, बेसिकली ये सारा कुछ इसलिए चल रहा है कि जी हमारे देवर की जो है वो होने वाली है शादी, तो अब हमने उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। अभी तो वैसे चार पाँच मंथ रहते हैं, लेकिन आपको पता है तैयारियाँ करने में अभी से शुरू करेंगे तो ही कंप्लीट होंगी। अच्छा, मैं यहाँ क्यों आई थी, यहाँ पर, हाँ जी, मैं आपको ये दिखाने आई थी कि ये देखें, यहाँ पर अभी सारे कपड़े जो चाहिए हैं, अभी नहीं चाहिए, सब कुछ यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जी चलो, मैं आपको साथ साथ जो है ना कमरे की सफाई और बाकी चीज़ें भी शेयर करती जाऊँगी। अभी ये जी रात का टाइम है, लेकिन सफाई जो है वो सुबह को ही होगी। तो फिर व्लॉग आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले कि जी मैं कितनी काम करती हूँ, कितनी ज़्यादा शुगर बच्ची हूँ, काम कर कर करके मेरी जो है ना मत बजने वाली है सुबह। तो चले जी, सुबह मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मेरी जी हुई है 11:30 बजे, क्योंकि मैं बच्चों को भेज के दोबारा से सो गई थी और अब जो है वो ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, चाय भी बन गई है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, उनके असेसमेंट्स चल रही हैं, तो इसलिए वो जल्दी आ गए थे। देखिए कितना क्रिस्पी सा पेशा वकास जैसा जो है पराठा बनाया है, और बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इतनी ज़्यादा बाजुओं में मेरे दर्द है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा जी, मैं क्या करने लगी थी, हाँ, इसके ऊपर मैं डालूँगी नमक और काली मिर्च। ओ चाय उबल गई, चाय उबल गई। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेरा चूल्हा जो है ये चेंज हुआ होगा, तो तब मैं इतनी रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी, ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो शायद मुझे अगर वो क्लिप कहीं से मिला तो मैं आपको शेयर करूँगी। हमारा चूल्हा जो था वो इतना ज़्यादा ब्लास्ट हो गया, शीशे का था, तो सारा जो है क्या कहते हैं फट गया एकदम से। शुक्र है मैं चूल्हे के पास नहीं थी, तो उसकी किचियाँ वहाँ 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 दूर दूर तक जो है ना फैल गई थी। तो अगर मैं पास होती तो लादमी कोई ना कोई मेरे मुंह पर लग जाती। अच्छा जी, तो मैं और साइन जो है वाकई खाने खाने लगे हैं, फरान कह रहा है मुझे तो भूख नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अंदर लेके जाना ना, इसने कहा ना मम्मा जी मुझे भूख लगी है, तो खैर देखते हैं वो क्या खाता है। तो जल्दी से मैं चाय डाल के और फिर आपसे नाश्ते के बाद मिलती हूँ। अच्छा जी, जब घर में काम हो रहा हो तो बच्चों को जो है एक जगह पर बिठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इनको मैंने ढांढ डपट के जो है बेड पर बिठाया है कि अब यहाँ से उतरना नहीं है जब तक सफाई नहीं हो जाती,
क्योंकि जी फिर जो है बिस्तरे और सारा कुछ जो है वो दोबारा से गंदा होता है, मिट्टी होती है उन पर, और फिर उनको साफ करना धोना एक वो अलग काम हो जाता है। तो खैर ये जी काम चल रहा है यहाँ पर ऐसा ऐसा, थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही हूँ बाजी के, और जी ये जो निशान हैं ये अच्छा जी, ऐसा ऐसा ही फाइनली जाएंगे। कुछ घर की शक्ल निकली है, ये चीज़ें वगैरह तो अब सेट हो जाएंगी और डस्टिंग और ये वो सारा काम हो चुका है। मिट्टी भी निकल गई है तकरीबन हर जगह से, और बस अब ये साथ साथ चलता रहेगा। और मैं खाना बनाने लगी हूँ, आलू गोभी गोश्त, तो उसके बाद मैं खाना रख के तो जल्दी से ज़रा एक बाज़ार का चक्कर लगाना है। तो चलें जी फिर मिलते हैं। वाहुअल वाहुअल वाहुलुल वदूद जू जुल जुल जाला पे जुल अंदर अब जुल अर्शी जुल अर्शी जुल जुल अर्शिल मजीद शाबाश फ़ालुल फ़ालुल आ को लंबा करना फ़ालुल फ़ालुल लिमा यरादी युरीद युरीद दोबारा पढ़े ये ना फ़ालुल लिमा युरीद फ़ालुल लिमा युरीद युरीद सुना किया करो। अच्छा हल हल तुमसे जबरता जबरता ताखरा जबरता ताखरा जबरता अता का हदीसु हदीसुल 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 जुनूद। अच्छा अब जी फाइनली मैंने बेडशीट भी बिछा ली थी, कमरा नीट हो गया है और अब बस यहाँ पर वॉलपेपर लग जाए तो मेरा कमरा जो है बिल्कुल रेडी है। एक दो डेकोरेशन पीसेस ला के रखूँगी। ये सोफ़ा भी फाइनली खाली हुआ है, बहुत दिनों से यहाँ पर हल्ला मचा हुआ था। तो खैर इस ड्रेस के लिए मैंने जाना था बाज़ार जो कि मैं नहीं जा सकी। अच्छा जी तो पता क्या, अभी मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं फिर से व्लॉगिंग की, मैं भूल ही जाती हूँ कि ना व्लॉग भी करना। रात को हमने शवारमा खाया, उसके बाद क्या कहते हैं बच्चों ने शवामा खा लिया साथ वाले घर से, चावल आए थे हमने वो खा ले, मैं बाज़ार भी गई थी, मैं लड्डू पीठी भी लेके आई थी ये सब कुछ हमने खाया पिया और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो खैर मैं सो गई रात को, इतनी फिर से तबीयत ख़राब रही मेरी। अच्छा खैर ये तो चलता ही रहता है। तो बस अब मैं ये नाश्ता कर रही हूँ और इंशाल्लाह आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव बनाना है मैंने, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। अभी अंधेरा इस वजह से है कि मौसम इतना चेंज हो गया है कि अब जो सूरज है ना वो सूरज का नामो निशान भी नहीं है। वो देखो ऊपर से जो रोशनी आ रही है बहुत मध्यम सी है माशाल्लाह। कपड़े जो है वो उमड़ उमड़ के जो है ना बाहर ही आए रहते हैं हर टाइम। खैर मैंने अब मेट भी रख लिया है कपड़े धोने के लिए, तो इसलिए जो है ना रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही कैमरे में। और चले जी आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। ये तो बस टूटा फूटा सा व्लॉग जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले तमाम व्लॉग्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे शादी के व्लॉग और बहुत कुछ तैयारियों के अभी तो व्लॉग जो हैं वो आने वाले हैं। तो आप देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।